أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. يايسة लिखे तमहीद के बाद असल मकसद यानि दूसरे दावे की तफसील, या बनी आदम के नीचे लिखेंगे तमहीद के बाद असल मकसद यानि दूसरे दावे की तफसील, दूसरे दावे की तफसील। देखिए, आपने जो खुलासा पढ़ा था ना सूरत के शुरू में, एक बात आई थी कि इस सूरत में कितने दावे हैं जी? तीन दावे। कितने दावे आएंगे? तीन दावे इस सूरत के अंदर आएंगे। उसमें पहला दावा तो ये था कि तौहीद का काम जुरत और इस्तिक्लाल के साथ करते रहो। दूसरा दावा ये था कि अल्लाह के बयान करदा अहकामात की इत्तेबा करो, शैतान की पैरवी मत करो। लिहाजा जो चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं की उसको अपनी तरफ से हराम मत कहो। ये दूसरा दावा था। यहाँ से जो रुकू शुरू हो रहा है ये उस दूसरे दावे की तफसील है। समझ में आ गई? एक बात। दूसरी बात ये है कि या बनी आदम, हाशिए पर लिखें कि यहाँ से बनी आदम को चार मर्तबा मुखातब बनाया गया है। कितनी मर्तबा? चार मर्तबा। आप देख लेंगे कि मुसलसल चार मर्तबा आगे अल्लाह पाक फरमाएंगे या बनी आदम, या बनी आदम, या बनी आदम, या बनी आदम। चार खिताबात हुए, चार। तो इसके नीचे लिखें या बनी आदम के नीचे खिताब नंबर एक, खिताब नंबर एक। चार दफ़ा अल्लाह ने खिताब किया और चारों मरतबा अल्लाह ने अलग अलग बात इरशाद फरमाई ख़ास तौर पे। तो जब इंसान किसी को उसका नाम लेकर के या उसका मनसब जिक्र करके पुकारता है ना, ये इस बात की दलील होती है कि अब कोई बहुत ही अहम और ख़ास बात आने वाली। एक तो अमूमी बात होती है और एक अगर इंसान को ख़ास नाम लेकर कहा जाए कि हाँ भाई फलां ये बात सुन लो, तो समझ जाए बड़ी अहम बात आ रही है। अब अल्लाह पाक जब फरमा रहे ए बनी आदम, तो बात अहम आ रही होगी। तो कितनी दफ़ा खिताब फरमाया? चार मर्तबा। अब देखें या बनी आदम फरमाए ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद। कद अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, यकीनन हमने ही तुम्हारे लिए उतारा, हमने ही तुम्हारे लिए उतारा। अनजलना का तर्जुमा है उतारा, लेकिन मुराद यहां पर क्या है? पैदा किया। क्या किया? पैदा किया। हमने तुम्हारे लिए उतारा लिबासन, क्या चीज? लिबास। इंसान जो लिबास पहनता है, अल्लाह पाक फरमा रहे ये हमने खास तौर पर तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम्हारे लिए उतारा है। मकसद क्या है लिबास के उतारने का? युवारी सौआतिकुम वरीशा, जो छुपा दे तुम्हारी शर्मगाहों को। युवारी, वारा युवारी के माने आते हैं छुपाना, जो छुपा दे तुम्हारी शर्मगाहों को। वरीशा, और जीनत का सबब भी हो। किसका सबब हो? जीनत। देखिए लिबास के दो असल मकसद बयान हो गए कि लिबास इंसान क्यों पहनता है। एक तो ये कि इसकी शर्मगाह छुप जाए,
लिहाजा अगर खुदा न खास्ता इंसान चाहे मर्द है या औरत है ऐसा लिबास पहन ले कि जो लिबास तो है नाम के तौर पे, लेकिन वो शर्मगाह के लिए सातिर नहीं है, तो ये अल्लाह के यहाँ लिबास की तारीफ में नहीं आएगा। इसीलिए हदीस पाक में है ना, रुब्बका सियातुन आरियातुन फिद दुनिया, इस तरह के अल्फाज है कि कितनी ही लिबास पहनी हुई औरतें इस दुनिया में ऐसी है जो आखिरत में बेलिबास होंगी। मकसद यह है कि उनका लिबास पहनना अल्लाह के यहाँ न पहनने के बराबर होगा, इसलिए कि वो लिबास उनके लिए सातिर नहीं होगा। तो अगर खुदा न खास्ता मर्द हो या औरत हो ऐसा लिबास पहने जो उनका सतर न छुपा सके तो वो तारीफ लिबास में शामिल नहीं होगा। इसलिए लिबास ऐसा हो जो ढीला ढाला हो, बड़ा हो, सतर को बिल्कुल छुपा दे। और वरीशा, दूसरा लिबास का मकसद ये है कि वो जीनत का सबब भी बन जाए। ये भी है, इस्लाम खूबसूरती वाला दीन है और खूबसूरती की तरगीब देता है। अब ऐसा लिबास पहनना कि जिससे बदबू आ रही है, जिस पर तेल के ऑयल के बड़े बड़े धब्बे लगे हुए हैं, जिस पे घर में कलर हो रहा था और आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ कलर के धब्बे लगे हुए हैं, यह जो आगे से फटा हुआ है, आजकल के नौजवानों को नया फैशन समझ में आया जीन्स की फटी हुई पैंटें पहनते, देखा होगा ना आप लोगों ने, तो आज तक कोई सोच सकता था कि फटे हुए कपड़े पहनना भी एक फैशन बन जाएगा, लेकिन अब घुटनों से फटा हुआ है, दाएं से फटा हुआ है, आगे से फटा हुआ है, ये क्या है जी, ये फैशन है फटी हुई पैंट पहनना। जब अल्लाह पाक अकल पे पर्दे डाल देते हैं तो इंसान इंसानियत से गिर जाता है। तो अब काफिर नचा रहा है, वो कहता है ये फैशन है, तो कहा जी ये फैशन है, उसने कहा ये पैंट फाड़ दो ये फैशन है, उसने कहा ये फैशन है, कल को नऊज बिल्ला वो कहे कि भाई इसको उठा के सर पे रख दो, तो कहेगा ये भी फैशन है। समझ गए, तो दीन बहुत बड़ी नेमत है, दीन का माहौल बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की अकल काम कर रही होती है कि कौन सा काम करने का है, कौन सा काम नहीं करने का है। तो दो मकसद बता दिए कि जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपा दे, वरीशन और जीनत का सबब भी हो। तो लिबास साफ सुथरा पहनना चाहिए दोस्तों, गंदा संदा लिबास पहनकर और इस तरह लिबास जिससे दूसरे को तकलीफ हो यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो तलबा को मुअज्जज़ लिबास में, पुरवकार लिबास में, साफ सुथरे लिबास में मदरसे आना चाहिए, मस्जिद आना चाहिए, तकरीबात में जाना चाहिए। ये तो हम भी अब लोगों की देखा देखी कि वो बाकी तो घूम रहे होते हैं, जब रात को शादी में जाते हैं तो फिर खास लिबास होता है और उस पे परफ्यूम होती है, आधा घंटा शीशे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन यही आदमी जब मस्जिद आता है आप देखें तो बस एक घर के कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने क्या पहना हुआ है, बस आके मस्जिद में खड़े हो गए सफ के अंदर। तो अल्लाह के घर के आने के इकराम का और आदाब का इल्म नहीं है, बस वो जिस लिबास में भी आ गए, काम करते हुए थे आ गए, उठ के आ गए, मुंह उठा के आ गए, लेकिन इन कपड़ों में ये ससुराल नहीं जा सकता। ससुराल जा सकता है, वहां नहीं जा सकता, वहां इसको शर्म आती है। इसीलिए बाज़ उलमा ने आसान सी है तो मजाक की बात लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है, फरमाए कम से कम ऐसे कपड़े पहनकर मस्जिद आए जिसमें यह ससुराल जा सकता है। इसलिए कि ससुराल के तो बड़े अदब आदाब होते हैं ना, दाएं बाएं देख रहा होता है कि किस तरह जाना है और किस तरह नहीं जाना है। वलिबासु तक्वा ज़ालिका खैर, और तकवा का लिबास ही सबसे बेहतरीन है, तकवा का लिबास सबसे बेहतरीन है। देखे बात हुई जिस्म के लिबास की कि जिस्म का लिबास ऐसा हो जो सतर को छुपाए, जिस्म का लिबास ऐसा हो जो खूबसूरती को बढ़ाए। तो जब ये बात इंसान समझ गया कि जिस्म के लिए वाकई लिबास चाहिए, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इसी तरीके से हमने तुम्हें एक बातिन दिया है, एक दिल दिया है, अंदर की जिंदगी दी है, उस अंदर की जिंदगी का भी एक लिबास चाहिए, और उस लिबास को क्या कहते हैं, लिबास तकवा, लिबास तकवा।
तो तक्वा का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है। अब तक्वा का लिबास क्या है, हाशिए पर लिखें, ईमान, हया, आमाल सालिहा और खौफ खुदा। ईमान, ईमान, हया, आमाल सालिहा और खौफ खुदा, ये लिबास तक्वा है, ये लिबास तक्वा है। तो हमारा बातिन ईमान से, हया से, आमाल सालिहा से और खौफ खुदा से मुजयन हो, अंदर साफ सुथरा हो, ये तक्वा का लिबास कहलाता है। बात समझ में आ गई। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि, ज़ालिका के नीचे लिखे इंज़ाल लिबास। आप जानते हैं ज़ालिका इसमें इशारा है ना, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसका मुशारुन इलेही कौन है, पर मैं ये लिबास का उतारना, ये लिबास का उतारना, मिन आयातिल्लाहि, अल्लाह की निशानियों में से है, लअल्लहुम यज़्ज़करून, ताकि ये लोग नसीहत हासिल कर सके। या बनी आदम, कौन सा खिताब है, खिताब नंबर दो। अब दूसरा खिताब, ए बनी आदम, ला यफ्तिनन्नकुम अश्शैतानु, हरगिज शैतान तुम्हें न बहका दे, हरगिज शैतान तुम्हें न बहका दे, बहका न दे शैतान तुम्हें, कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को निकाल दिया जन्नत से, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को, माँ बाप से मुराद कौन है, हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिम अस्सलाम, जैसे शैतान ने उनको निकाल दिया था, मिनल जन्नति, कहाँ से, जन्नत से बहका कर, तो उनका निकलना भी बहकने की वजह से हुआ कि शैतान की बातों में आ गए, वसवसे में आ गए, उसकी कस्मों पर यकीन कर लिया, पर मैं ख्याल करो ये बहका कर खराब करता है। जैसे उसने तुम्हारे वालिदैन को निकाल लिया जन्नत से, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उन दोनों से उनका लिबास उतरवा कर, उन दोनों से उनका लिबास उतरवा कर, क्यों, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो जाहिर कर दे उनकी शर्मगाहों को, ताकि वो शैतान जाहिर कर दे उनकी शर्म। शैतान ने तो इसीलिए मशवरा दिया ना जन्नत में कि ये इस फल को खाएंगे, नतीजा ये होगा कि जन्नत का लिबास इनसे उतर जाएगा। तो सबसे पहली कोशिश इसकी ये होती है कि भाई इंसान से उसके हया वाला लिबास उतर जाए। अब देखें, अल्लाह पाक ने यहां इंसान को समझाने के लिए इंसानी फितरत को कारामत बनाया है। आज अगर आप किसी को कोई बात समझाएं ना कि भाई फलां के साथ देखो मत बैठा करो, फलां दोस्ती के काबिल नहीं है, लेकिन नहीं समझते नौजवान ना, वो कहते हैं नहीं ये तो बड़ा कीमती दोस्त है, तो समझदार आदमी समझाने के लिए क्या कहता है, भाई आपको पता है इसने आपके वालिद साहब का कितना बड़ा नुकसान किया था, कहते हैं ना, इसलिए कि इंसानी फितरत यह कि इसको बड़े के नाम पे गैरत आती है। जब इंसान को यह पता चल जाए ना कि यह मेरे माँ बाप का भी दुश्मन था, इसने उनके साथ भी बेवफाई की है, तो तबअन गुस्सा आता है। अब शैतान जो रास्ते दिखाता है, हर रास्ते में लज्जत और शहवत ही शहवत है, तो दिल नहीं मानता कि शैतान के तरीके को छोड़ दें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया भाई तुम्हारे माँ बाप का दुश्मन है, और हर गैरतमंद औलाद को माँ बाप के दुश्मन से दुश्मनी होती है, तो जब शैतान हमारे माँ बाप का दुश्मन है तो हमारा दोस्त हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जब उसने हमारे माँ बाप को जन्नत से उतारने के लिए झूठी कसम खाई है, तो वो हमारे सामने झूठी कसम कैसे नहीं खा सकता, बात समझ गए। इसलिए हमेशा उसूली बात याद रखें कि जो आपके बड़ों का खैर ख्वाह नहीं है वो आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता है, नहीं समझे बात, जो आपके बड़ों का खैर ख्वाह नहीं है वो आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता है। दोस्तों ये बहुत अहम नुक्ते की बात है।
तो जो शैतान हमारे बड़ों का आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का खैरख्वाह नहीं था, उनका दुश्मन था, आज इंसान कैसे कह दे कि नहीं जी हमारा तो ये बड़ा खैरख्वाह है। समझ में आ गई बात दोस्तों? या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश्शैतानु, हरगिज़ तुम्हें न बहका दे शैतान जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला, उनका लिबास उतरवा के ताकि जाहिर कर दे उनकी शर्मगाहों को। समझ गए? इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। इन्नहु हु ज़मीर शैतान की तरफ है, बेशक ये शैतान वो तुम्हें देखता है, व कबीलुहु और उसकी जमात भी। शैतान तो अकेला एक वो है ना, ये तो एक बड़ा है, सुपरवाइजर है, बाकी इसकी मातहती में काम करने वाले तो पूरी पूरी टीमें हैं जो काम कर रही है ना? तो इसकी मातहती में तो काम करने वाले अफराद बहुत ज्यादा है जो इसके चीले चांटे हैं जो काम करते हैं। तो अल्लाह पाक ने उसको कबील फरमाया, फरमाया बेशक ये शैतान खुद व कबीलुहु और इसकी जमात, और इसकी जमात वो तुम्हें देखती है, मिन हैसो ऐसी जगह से कि ला तरौनहुम, तुम उन्हें नहीं देख सकते, तुम उन्हें नहीं देख सकते। तरौनहुम के नीचे लिखे आदतन, क्या लिखे? आदतन। ये असल में आदतन का जो लफ्ज है ये एक शुबे का, एक इश्काल का जवाब है दोस्तों। आयत से तो ऐसा लग रहा है कि शैतान इबलीस या जिन्नात वो हमें हर वक्त देख सकते हैं, है ना? इसलिए कि वो लतीफ मखलूक है, उनका जिस्म नहीं है, तो वो तो हमें देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे ला तरौनहुम, तुम उन्हें नहीं देख सकते। इस लफ्ज को देखकर बाज लोगों ने कहा कि इंसान के लिए शैतान को या जिन्नात को या इबलीस को या ऐसी खबीस मखलूकात को देखना दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। ला तरौनहुम, बात समझ गए? तो इसका जवाब यह दिया गया कि आदतन मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? आदतन मुमकिन नहीं है। देखिए दुनिया में बाज लोग होते हैं ना, वो आके कहते हैं मैं कहीं से जा रहा था, मुझे कोई अचानक ऐसे नजर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो नहीं था। होता है ना, दुनिया में ऐसा हो जाता है दोस्तों। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अमूमी मजमे को नजर नहीं आती, एक आध बंदे को कोई चीज खुल जाती है, नजर आ जाती है ना? तो अब सवाल यह होगा कि अगर शैतान को या इबलीस को या जिन्नात को इन चीजों को देखना मुमकिन ही नहीं है तो ये बाज लोगों को कैसे फिर नजर आ जाता है? तो इसका जवाब यह कि आदतन तो मुमकिन नहीं है, आदतन मुमकिन नहीं है, लेकिन इत्तेफाकन अगर अल्लाह पाक किसी को दिखा दे तो उसकी नफी भी नहीं। तो लिहाजा यहां नफी किसकी है? आदतन की नफी है, इत्तेफाकन की नफी नहीं है। कुछ बात समझ में आ गई? समझ गए दोस्तों? इन्ना जानला शयातीन औलिया अलिल्लबीन ला युमिनून, बेशक हमने शैतानों को दोस्त बना दिया है उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते। शैतान उन लोगों के यार है, औलिया कहते हैं, वली कहते हैं दोस्त को, यार को। हमने शैतान को उनका दोस्त बना दिया, लिल्लबीन ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते। तो ईमान न लाने वालों के तो ये पक्के ठक्के दोस्त हैं, उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, उनके मशवरों में शरीक भी होते हैं, उसमें अपना हिस्सा भी डालते हैं। वाइज़ा फालू फाहिशतन, लिखे शिकवा, क्या चीज है शिकवा? शिकवा ये उन्वान भी आपके सामने बार बार आएगा। जब अल्लाह पाक किसी की गलती का तस्किरा करना चाहते हैं, कोई किसी की बात पर कोई एतराज हो, गलत अमल हो, तो उस पर उन्वान क्या कायम होगा? शिकवा कायम होगा। कभी शिकवा आता है, कभी शिकवे के साथ जवाब शिकवा भी आता है। बात समझ गए? तो यहां पर शिकवा है, लेकिन ये शिकवा किन से है? काफिरों से है, मुशरिकों से है। वो क्या शिकवा है देखें, वाइज़ा फालू फाहिशतन,
और जब ये कुफार कोई बेहयाई का काम करते हैं, फाहिशतन का क्या तर्जुमा है, बेहयाई का काम, फाहिशतन के नीचे लिखे यानि नंगा तवाफ। कौन सा तवाफ? नंगा। आपने सुना है कि जमाने इस्लाम से पहले मुशरिकीन भी बैतुल्ला का तवाफ करते थे, है ना? इस घर का एहतराम तो सबके दिलों में था, तो वो लोग भी आते थे, लेकिन मक्का मुकर्रमा से बाहर रहने वाले, ये अहम बात है, मक्का के मुशरिकीन ने कभी बैतुल्ला का नंगा तवाफ नहीं किया है। जो मक्का से बाहर रहने वाले मुशरिकीन थे ना, वो जब आते थे मक्का मुकर्रमा और तवाफ करते थे, तो वो कहते थे भाई इन कपड़ों में तो हमने बड़े गुनाह किए, अल्लाह को नाराज किया है, इसमें हम कैसे अल्लाह के घर का तवाफ कर लें। तो उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला कि उन कपड़ों के बगैर जी तवाफ करते। अब ये नहीं सोचा कि भाई इन कपड़ों में गुनाह तो किया है, लेकिन इन कपड़ों को उतार कर तवाफ करना उससे बड़ा गुनाह है। समझ में आती है बात? तो अल्लाह पाक ने उन मुशरिकीन का शिकवा किया जो बैतुल्ला का नंगा तवाफ करते थे, और मैंने अर्ज किया कि ये मक्का के मुशरिकीन नहीं थे बल्कि बाहर से आने वाले लोग थे। वइज़ा फ़ालू फ़ाहिशतन, और जब ये कोई बेहयाई का काम करते, क़ालू तो कहते थे, वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने बाप दादाओं को इस तरीके पर पाया। ये इनकी बड़ी दलील थी कि भाई ये गलत काम क्यों कर रहे हो, जी हमारे बड़ों ने किया है तो जी हम तो करेंगे, हमारे बड़ों ने किया है। वजदना अलैहि आबाअना, हमारे बड़ों ने किया है, तो इनके बड़े गलत थे, तो गलत तरीके को छोड़ना चाहिए या पकड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए ना, गलत तरीकों को छोड़ना चाहिए। आज हमारे माहौल में बहुत सारी चीज़ें रस्म और रिवाज की बिदआत, खराफात, रसूमात, लुगवियात, शिरकियात शामिल हो गई है। आप देखें ना, वक्तन फवक्तन हमारे मोहल्लों में, पड़ोस में, इलाकों में लोग कभी क्या पका रहे होंगे, कभी क्या चल रहा होगा, कभी क्या चल, भाई ये क्या हो रहा है, भाई जी ये तो हमारे जी दादाजी के ज़माने से चल रहा है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब दादाजी ने गलत किया, फिर अब्बा जी ने गलत किया, और अब आप जी गलत कर रहे हैं, उस गलत को सीने से लगाकर चल रहे और चलते चले जा रहे। तो हमेशा याद रखें कि बड़ों की गलती वक्त के गुजरने के साथ दुरुस्त नहीं हो जाती, वो गलत ही रहती है, उसकी इस्लाह की ज़रूरत हुआ करती है। समझ में आ गई बात? तो कहा कि हमने अपने बाप दादाओं को इस पर पाया, वल्लाहु अमरना बेहा, उससे बढ़कर आगे क्या कहा, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। नऊज़ बिल्लाह, किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है कि भाई मेरे घर का तवाफ गुनाह वाले कपड़ों में नहीं करना, नंगा कर लेना। नऊज़ बिल्लाह। कुल, नीचे लिखे शिकवा, जवाब शिकवा क्या है, जवाब। अब उस शिकवे का जवाब अल्लाह पाक दे रहे। कुल, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन्नल्लाहा ला यामुरु बिल फहशाई, बेशक अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं दे सकते। ये तो तुम बेहयाई कर रहे हो और उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर रहे हो कि अल्लाह पाक ने ऐसा कहा है, नऊज़ु बिल्लाह। बेशक अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं दे सकते। अतकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या अल्लाह के बारे में ऐसी बात करते हो, मा ला तालमून, जो तुम जानते भी नहीं हो, जो तुम जानते भी नहीं हो। बस किसी ने बता दिया तो कहा जी ये ऐसा ही है, बाकी उसका कोई इल्म नहीं तुम्हारे पास, इल्म नहीं। सुनी सुनाई बातें हैं, दास्तानें हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, आप कह दीजिए मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का। क़िस्त किसको कहते हैं? इंसाफ। लिखे यानि तौहीद। इंसाफ से मुराद यहां क्या है? तौहीद। दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ तौहीद है, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। समझ गए? मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का यानि तौहीद का। वाकीमु वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन,
और सीधा रखो अपना रुख, सीधा रखो वजूहकुम, अपना अपना रुख सीधा रखो, इंद कुल्ल मस्जिदिन, हर सजदे के वक्त में, हर, यहां मस्जिद से मुराद मस्जिद नहीं है कि हर मस्जिद के पास अपने रुख को सीधा रखो, वरना तो मस्जिद के बाहर से गुजरते हुए आपको रुख फिर इस तरफ करना पड़ेगा, इस तरफ, यानी आप लोग जा रहे हैं ऐसे गुरु मंदिर की तरफ ना, सीधा, तो चेहरा किस तरफ होगा, फिर गुरु मंदिर की तरफ होगा ना, लेकिन जैसे ही मस्जिद की बाउंड्री शुरू हो गई तो फिर आपको रुख ऐसा करना होगा, जैसे बाज अहले बिदात जा रहे होते हैं ना, इस तरह, फिर आपको इस तरह जाना होगा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग करनी होगी, इसलिए कि अगर मश्क नहीं हो तो इंसान गिर जाता है बाज दफा। ये जो हमारे यहाँ मुआशरे और माहौल में जो बाज बिदात है ना, बाज लोग रिवर्स भी जा सकते हैं, बाज लोगों को आपने देखा होगा ना, बुजुर्गों से मुलाकात करके फिर पीठ नहीं लाते उनकी तरह, बहरहाल उनका एक ज़ौकी अदब होता है और अदब का ताल्लुक इंसान के एतिकाद और अकीदे से होता है। तो यहां मस्जिद से मुराद क्या है, हर सजदे के वक्त, और सजदा जब इंसान करता है तो क़िबला रुख होकर करेगा, उसके बगैर नहीं कर सकता। फरमाया सीधा रखो अपने रुख को हर सजदे के वक्त, वदउहू, पुकारो उसी ज़ात को, पुकारो उसी ज़ात को, मुखलिसीन लहुद्दीन, इस हाल में कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसको पुकारो, कमा बदाकुम ताउदून, जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली दफा पैदा किया, बदाकुम, जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली दफा पैदा किया, ताउदून, तुम दोबारा भी पैदा किए जाओगे। तर्जुमा समझ रहे, जैसे पहली दफा पैदा किया, जब दुनिया की पहली पैदाइश होती है ना, ये इब्दा कहलाती है, क्या कहलाती है, इब्दा, और मरने के बाद जब इंसान दोबारा कब्र से उठेगा ये इआदा कहलाता है, समझ गए। जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली दफा पैदा किया, ताउदून, तुम दोबारा पैदा किए जाओगे, फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुज़्ज़लाला, एक तबके को हिदायत मिल गई और एक तबके के लिए गुमराही साबित हो गई, एक तबके को हिदायत मिल गई। इंसान को जब नसीहत की जाती है, समझाया जाता है, कोशिश की जाती है, तो एक तबका मान लेता है। तो फरमाए एक तबके को हिदायत मिल गई, यानी उसने बात को ले लिया, लेकिन वह फरीकन, एक तबका ऐसा है कि हक अलैहिमुज़्ज़लाला, उनके लिए गुमराही क्या हो गई, साबित हो गई, कि ये, इनको हिदायत नहीं मिल सकती, ये गुमराही रहेंगे, उनके लिए गुमराही साबित हो गई। नीचे लिखेंगे छोटा सा, अपने इरादे और इख्तियार से, अपने इरादे और इख्तियार से, इससे उस तसव्वुर की नफी हो जाएगी कि जो ये कहते हैं कि भाई फिर तो इंसान मजबूर है, जब अल्लाह पाक फरमा रहे इनके लिए गुमराही साबित हो चुकी है, तो अगर ये बेचारे हिदायत की तरफ आना भी चाहें तो कैसे आएंगे, उनकी तो तकदीर में गुमराही लिखी जा चुकी है। बात समझ गए दोस्तों, तो आपने क्या लिखा नीचे, अपने इरादे और इख्तियार से। तालिब इल्म उस्ताद के लिखने से फेल नहीं होता, तालिब इल्म अपनी नालायकी से फेल होता है, अलबत्ता उसके फेल होने के नतीजे को उस्ताद अपने कलम से सिर्फ लिखता है, ऐसा नहीं। तो अब इम्तिहान से पहले उस्ताद ने कहा भाई सुन लो, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, जिस तरह वक्त गुजार रहे हो फेल हो जाओगे, और फिर वो तालिब इल्म वाकई फेल हो गया। तो साथियों ने कहा भाई क्या हुआ, कहा उस्ताद जी तो कह रहे थे ना हो गया, मैं तो नहीं हो रहा था, लेकिन उस्ताद बार बार कह रहे थे तो होना तो था, तो आया उस्ताद के कहने ने इसको फेल किया है, फेल तो नालायकी की वजह से हुआ,
लेकिन उसके आसार अलामात बता रहे थे पहले से कि कोई नया नतीजा नहीं आएगा। तो अल्लाह पाक फरमा रहे एक तबके के हक में गुमराही साबित है इसलिए कि उनके करतूत बता रहे हैं कि ये हिदायत को कबूल ही नहीं करेंगे। तो इसको कहा भाई अपने इरादे और इख्तियार से इन्नहु मुत्तखज़ु शयातीन लिके सबबे ज़लालत, सबबे ज़लालत ज़ात के साथ। ज़लाल किसको कहते हैं? गुमराही को कहते हैं, गुमराही को ज़लाल कहते हैं। ज़लाल इन्नहु मुत्तखज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, बेशक इन लोगों ने शयातीन को दोस्त बना रखा था मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, ये गुमराह इसलिए हुए। इत्तखज़ू इन्होंने बना रखा था अश्शयातीन शैतानों को औलिया दोस्त मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, वयहसबून अन्नहुम मुहतदून और गुमान करते थे कि ये लोग हिदायत पर है, गुमान करते थे कि ये लोग किस पर है? हिदायत। एक इंसान जब गलत करके अपनी गलती को सही समझे ये बहुत मुश्किल होता है इसको दुरुस्त पर लाना। गलत को गलत कहने वाले की इस्लाह इतनी मुश्किल नहीं जितना गलत को सही कहने वाले की इस्लाह मुश्किल है। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने एक तो शैतान से दोस्ती की और फिर जब इनसे कहा गया कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, कहा नहीं नहीं हम ही हिदायत पर चल रहे हैं, तो ऐसे आदमी की इस्लाह कितनी मुश्किल हो जाएगी। या बनी आदम, यह है खिताब नंबर 3। अब तीसरा खिताब आ गया, ए बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम, ले लो अपने ज़ेबो ज़ीनत का सामान इंद कुल मस्जिदिन, हर मस्जिद के पास यानी हर नमाज के वक्त में। मस्जिद से मुराद नमाज का वक्त है। ज़ेबो ज़ीनत का सामान ले लो इंद कुल मस्जिदिन, हर नमाज के वक्त में। तो इंसान जब नमाज के वक्त के लिए मर्द मस्जिद आएगा, मस्तूरात घरों में तैयारी करेंगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म यह है कि खुजू ज़ीनतकुम, अपने साफ सुथरे लिबास को ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार कर लो। मालूम हुआ कि मस्जिद के लिए नमाज के लिए एक अहतमाम है, एक अहतमाम है, इंसान क्या होगा तैयार होकर आएगा, इस तरह मुंह उठा के नहीं आएगा। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और फरमाया और खाओ और पियो और इसराफ मत करो, खाओ पियो इसराफ मत करो। जो दुनिया के अंदर जो जायज़ और हलाल चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल की नफी नहीं, न उसको तर्क करने में कोई कमाल है। दोस्तों तर्क किस चीज़ को करना है? इसराफ को करना है। किसको करना है? इसराफ। लिहाजा एक मुसलमान अच्छा लिबास भी पहनेगा, तैयार भी होगा, खुशबू भी लगाएगा, सुरमा भी लगाएगा, खाएगा भी पिएगा भी सब कुछ, लेकिन इसराफ से बचेगा। किससे बचेगा? इसराफ से बचेगा। बाकी तो अल्लाह पाक ने आपको जितना दिया हुआ है भरपूर इस्तेमाल करें। दोस्तों ये याद रखिए, बाज़ लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि शायद अगर हम अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी टोपी, अच्छे चश्मे और अच्छा मोबाइल गैर तालिब इल्म के लिए अगर हम ये रखेंगे तो शायद ये तो तकवा के ख़िलाफ़, कोई तकवा के ख़िलाफ़ नहीं। आपके पास जितनी वसअत है भरपूर उससे इस्तेफादा करें अल्लाह की नेमतों से। खाएं पिए भी अच्छा खाएं, अच्छा पिए। और हमारे तलबा में हमेशा कहता हूँ कि तलबा ऐसे बेजोक नहीं होते, आम लोग होते हैं ना, बस जहाँ भी जाके चाय पी ली, बस पी ली बैठ गए। तालिबिले में ऐसे नहीं करते, वो चाय का होटल तलाश करते हैं, जहाँ की चाय समझ में नहीं आई ना एक दफ़ा, वहाँ पलट कर कभी नहीं आते। ऐसा ही है ना, और ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि बस जहाँ चाय मिल गई बस बैठ के पी ली, एक काम पूरा करना है, नहीं नहीं। चाय तो एक बाज़ौक चीज़ है, खाने पीने के लिए कहीं पर गए आपको समझ नहीं आया खाना, दोबारा पलट कर कभी वहाँ मत जाएं। उससे कहे भाई ये आखिरी मरतबा था, ये बिल ले लो आइंदा हम नहीं आएंगे यहाँ पर, वाकई में। लेकिन इसराफ मत करें, इसराफ में एक काम अगर 1000 रुपए में हो रहा है वहाँ 3000 न लगाएं, 2000 बचा लें, इसलिए कि आप तालिबे इल्म हैं, आपको किताबें भी लेनी है, आपने आगे ज़िंदगी गुजारनी है,
आपके पास आपके इल्म का ज़खीरा भी होना चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो फरमाए खाओ पियो इसराफ मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی دی ہوئی زینت کو، اللہ کی دی ہوئی زینت کو، التي أخرج لعباده جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा फरमाई उसको किसने हराम किया है। वह तय्यबा तमिनर रिस्के और पाकीज़ा रिज़्क़ को, यानी किसने हराम किया है। बात समझ गए, जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की उस पर हुरमत का फतवा लगाना या उसको हराम कहना या हराम समझना या नापसंद करना, ये इंसान की इख्तिरा है, अपनी एक गलत सोच है, अल्लाह पाक ने इसको पसंद नहीं फरमाया है दोस्तों। बात समझ गए, फरमाए कौन है जिसने हराम कर दिया अल्लाह की दी हुई जीनत को। पीछे तस्किरा हुआ ना लिबास का, पीछे तस्किरा हुआ ना खाने का, पीछे तस्किरा हुआ पीने का, ये वो जीनतें हैं जो अल्लाह ने हलाल कर दी है। अब तुम कौन होते हो कि इनको अपनी तरफ से हराम करो। तो लिहाजा ये जीनत की चीजें कोई हराम नहीं। वो तय्यबात मिनर रिज़्क़ और जो पाकीज़ा रिज़्क़ है वो भी हराम नहीं है। इंसान अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा पिए, कोई मना नहीं। कुल आप कह दीजिए हिया 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 के बाद महजूफ निकालेंगे मखलूक़तुन, हिया की खबर क्या महजूफ निकलेगी मखलूक़तुन, तो तर्जुमा आसान हो जाएगा दोस्तों। कुल आप कह दीजिए कि ही मखलूक़तुन के ये चीज़ें पैदा की गई है, ये चीज़ें पैदा की गई है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए आमनू फिल हयातिद दुनिया जो ईमान लाए इस दुनिया की ज़िंदगी में, जो ईमान लाए इस दुनिया की ज़िंदगी में, दुनिया की राहत और दुनिया के सुकून की सारी चीज़ें अल्लाह ने किसके लिए पैदा की है जी, ईमान वालों के लिए पैदा की है। आमनू फिल हयाति दुनिया, हाशिए पर लिखे दुनिया में काफिर इसमें तबान शामिल है, दुनिया में हयाति दुनिया पर हाशिया लिखे कि दुनिया में काफिर इसमें क्या है, हाँ तबान शामिल है, दुनिया में काफिर इसमें तबान शामिल है। बात समझ गए, एक होता है असलन, एक होता है तबान। एक सादा सी मिसाल इसकी दूं, आप ईद उल अज़हा के दिन जब करीब आते हैं ना, लोग जानवर लाते हैं, जानवरों के लिए चारा रखते हैं किसी बर्तन में, किसी टोकरी में, किसी भी चीज में ना। आपने देखा होगा, आपने जाकर अपने जान अपने बैल को गाय को चारा रखा, करीब से एक दूसरा एक छोटा सा बकरा खड़ा होगा, वो भी आके उसमें मुंह मारना शुरू कर देगा, होता है ना। जानवर को तो इंसान नहीं समझाएगा कि भाई जी आप आपका वो वाला है और इसका ये वाला है, उसको तो चारा घास चाहिए। तो बाज लोग तो होते हैं ऐसे जरी किस्म के, वो उसको एक दो लाते मार के वहां से भगा देते हैं कि भाई तुम इसमें क्यों मार। लेकिन जो शरीफ किस्म के लोग होते हैं तो वो कोई रोक टोक कहते हैं भाई वो भी जानवर है, ये भी जानवर है। ये घास चारा असलन तो आपकी गाय के लिए था, लेकिन तबान वो बकरा भी उसमें क्या कर रहा है, मुंह मार रहा है, उससे इस्तेफादा कर रहा है। दुनिया की हलाल और खूबसूरत नेमतें असलन ईमान वालों के लिए, लेकिन काफिर उससे तबान इस्तेफादा कर रहा है, तो अल्लाह पाक उससे इस्तेफादा करने दे रहे, मना नहीं फरमा रहे उससे। बात समझ में आ गई। बाकी आखिरत में क्या होगा, फरमाया खालिसत यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन तो ये खालिस हो जाएगी किन के लिए, ईमान वालों के लिए। उस दिन फिर नहीं होगा, फिर फरिश्ते खड़े होंगे, अगर कोई काफिर आगे बढ़ेगा तो डायरेक्ट उसके सर पे पड़ेगी, उसको भगा दिया जाएगा वहां से। समझ में आ गए, खालिसत यौमल क़ियामा,
और खास हो जाएगी क्यामत के दिन, नीचे लिखे ईमान वालों के लिए। कذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون, इसी तरह हम खोल खोल के बयान करते हैं इन आयतों को, لقوم, उन लोगों के लिए, يعلمون, जो के जानना चाहते हैं, जो के जानना चाहते हैं। قل إنما حرم ربي الفواحش, लिखे تحريمات الله का बयान, تحريمات الله, तहरीमातुल्लाह का क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह की हराम करदा चीज़ें। अब तक तो हलाल चीज़ों का बयान था ना, अब तहरीमातुल्लाह का बयान है। फरमाया कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा हर्रम रब्बी अल्फवाहिशा, बेशक मेरे रब ने हराम कर दिया है अल्फवाहिशा, तमाम बेहयाई की चीज़ों को, तमाम बेहयाई की चीज़ों को, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, चाहे वो बेहयाई ज़ाहिर से हो या बातिन से हो। इंसान के ज़ाहिर से बेहयाई नज़र आए, मसलन नामुनासिब लिबास पहन रहा है तो ये भी बेहयाई है, हराम है। और इंसान के अंदर से बेहयाई नज़र आए कि गलत किस्म की बातें कर रहा है, ये भी हराम है। समझ में आ गए? तो मेरे रब ने बेहयाई को हराम कर दिया, चाहे वो जाहिर की बेहयाई हो चाहे वो बातिन की बेहयाई हो। वल इस्मा, इस पर भी हर्रम दाखिल है, और हराम कर दिया है गुनाह को। वल बगिया, और जुल्म को, बगैर हक, ना हक, कौन से जुल्म को? ना हक जुल्म को। तो हक वाला जुल्म भी है, या हर जुल्म ना हक होता है? जी, जुल्म में फर्क है कि भाई ये जुल्म हक वाला जुल्म है और ये ना हक वाला है, ऐसा है? हर जुल्म ही क्या है? ना हक है। फिर यहां कैद क्यों लगाई बगैर हक? और वो जुल्म जो ना हक किया जाए, कोई बता सकता है? आपने पढ़ा है नहू के अंदर कि बाज दफ़ा कैद होती है कैद एहतराजी, और बाज दफ़ा कैद होती है कैद इत्तिफाकी। समझ में आ गए? दोनों में फ़र्क है ना। कैद एहतराजी वो होती है कि जिसका मकसद किसी को निकालना होता है। मसलन कहा जाए, इस क्लास में दौरे तफसीर वाले ही बैठे, तो मकसद ये कि सर्फ़ और नहू वाले नहीं बैठेंगे, अरबी वाले नहीं बैठेंगे, इमला खुशखती वाले नहीं बैठेंगे। तो ये कैद क्या है? कैदे, ये कैदे एहतराजी है। एक कैद होती है जिसको कहते हैं कैदे इत्तिफाकी। जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाए, किसी तालिब इल्म ने मस्जिद में अगर गाली दी ना, उसको उल्टा लटका देंगे। मकसद ये कि बाहर गली में दे दो गालियां। तो मस्जिद में गाली देने की ममानात मस्जिद की कैद इत्तिफाकी है या एहतराजी है? इत्तिफाकी। गाली यहां भी मना है, गली में भी मना है, घर में भी मना है, कहीं और भी मना है। समझ गए? तो जुल्म हर सूरत में मना है, हराम है, चाहे वो किसी दर्जे का भी जुल्म हो। तो जो भी जुल्म है वो ना हक ही होता है। तो बगैर हक की कैद क्या है? इत्तिफाकी है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी, और जुल्म करना ना हक। वान तुशरिकु बिल्लाह, और ये कि तुम शिर्क करो अल्लाह के साथ, ये कि तुम शिर्क करो अल्लाह के साथ, मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, ऐसों को अल्लाह के साथ, ऐसों को शरीक करो, लम युनज़िल बिही सुल्ताना, बिही की ही ज़मीर के नीचे लिखे, बिमाबूदियत ही, क्या लिखे? बिमाबूदियति ही, बिमाबूदियति ही। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह के साथ ऐसों को शरीक करना कि जिनकी माबूदियत पर कोई दलील भी नहीं उतरी है, जिनकी माबूदियत पर कोई दलील नहीं उतरी। भाई इंसान जब कोई बड़ा कदम उठाता है ना, बड़ा फैसला करता है, उसके लिए हवाला और दलील भी बड़ी चाहिए। समझ में आ गई? अब एक आदमी नऊज़ुबिल्ला
अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना चाहता है, कहते भाई जो काम अल्लाह कर सकते हैं वो फलां भी कर सकता है, तो उससे कहा जाएगा कि अच्छा तो इसकी क्या दलील है आपके पास, है कोई किताब में कुरान में हदीस में कोई हवाला है आपके पास इसका, समझ गए। तो अल्लाह ने फरमाया चले हैं मेरे साथ दूसरों को शरीक ठहराने, लेकिन इनको माबूदियत में शरीक करने में इनके पास कोई दलील नहीं है। वान तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, इस पर भी हर्रम दाखिल है दोस्तों। ये सब उन चीजों का बयान है कि जो ममनू है कि अल्लाह ने हराम कर दी। वान तकूलू, और अल्लाह ने हराम कर दिया इस बात को भी कि तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, तुम कहो अल्लाह के बारे में ऐसी बात जो तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं जानते अल्लाह के बारे में वो बात अपनी तरफ से करने लग जाओ। जैसे किसी के पास दीन का इल्म नहीं है, उस दर्जे का इल्म नहीं है, लेकिन आजकल लोगों की आदत है कि बोलना है, खामोश नहीं रहना है, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलना है। और फिर जब दीन का मामला हो तो हर आदमी डेढ़ फुट का मुफ्ती होता है। कितने फुट का? डेढ़ फुट का, डेढ़ फुट का मुफ्ती होता है। वो कहता है जी इतना तो हम भी जानते हैं, इतना इतना हम भी जानते हैं। अच्छा भाई क्या जानते हैं? वो यहां पर ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी वाली? का रब्बना आतैना वाली, नहीं समझे। वो एक साथी आए हमारे, कहा कि मेरे अपने बेटे को लेकर ना, का इसने ये याद कर लिया। वो बाज होते हैं ना, जैसे वालदेन खुश होते हैं ना इस पर ना कि भाई बच्चों ने कुछ याद कर ली, सूरतें याद कर ली, ABCD याद कर ली, दुआ याद कर ली, फलां याद कर ली। तो वो लाए कहा कि इस कारी साहब आते हैं, इनको पढ़ाते हैं, इनको ये याद किया, सूरह इखलास याद किया, और रब्बना आतैना वाली दुआ भी याद करा दी। रब्बना आतैना, समझे आप लोग वो कहना क्या चाहते थे? दुआएं रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतन, तो मौसूफ ये फर्क नहीं कर सके थे कि ये लफ्ज रब्बना आतैना है या आतैना है। तो रब्बना आतैना वाली दुआएं बहुत सो को याद है, और कहेंगे जी हम भी जानते हैं कुछ ना कुछ। वलिकुल्ल उम्मतिन अजल, लिखे इजाला शुभ, इजाला इजाला शुभ। हाशिए पे लिखे शुबा ये था, शुबा ये था कि मुशरिकीन कहते थे कि हम जब हलाल को हराम करते हैं तो फिर हम पर अजाब क्यों नहीं आता। ये इनका एक इश्काल था मुशरिकीन का। इनसे कहा जाता भाई क्यों अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम कह रहे हो ना? कहते थे अगर हम हलाल को हराम कर रहे हैं तो फिर हम पर अजाब क्यों नहीं आता। समझ में आ गए? तो इजाला शुभ, अल्लाह पाक ने उनके शुबे का इजाला फरमाया। लिकुल्ल उम्मतिन अजल, फरमाया हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। अजाब क्यों नहीं आया? अजाब आएगा, लेकिन आपकी मर्जी और आपके वक्त के मुताबिक नहीं। वो जब अल्लाह चाहेंगे वो आएगा, और कब आएगा, कैसे आएगा, कहां से आएगा, किस अंदाज से आएगा, वो फिर देख लोगे। लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर है, समझ गए। फैजा जा अजलहुम, बस जब आ जाएगा उनका वक्त मुकर्रर, जब आ जाएगा उनका वक्त मुकर्रर, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो न एक घड़ी पीछे हट सकेंगे न एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे, न एक घड़ी पीछे हट सकेंगे और न एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। फिर एक सेकंड की तकदीम और ताखीर नहीं होगी, फिर बिल्कुल सीधा सीधा मामला हो जाएगा। समझ में आ गए? या बनी आदम, ये कौन सा खिताब है? खिताब नंबर 4, ये चौथा और आखिरी खिताब है दोस्तों। लेकिन हिकायत आहदे कदीम, इसी आयत के नीचे उनवान लिखे,
حکایت، حکایت عہد، حکایت عہد قدیم. حکایت کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بھائی قصہ. حکایت کے کیا معنی؟ قصہ. صحیح. اور عہد قدیم کے معنی کیا ہے؟ یعنی جب کسی پرانے زمانے کی بات نقل کی جائے سمجھانے کے لیے تو اس کو عہد قدیم کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اگر آ جائے تمہارے پاس رسول منکم تم ہی میں سے، اگر آ جائے تمہارے پاس رسول منکم تم ہی میں سے. دیکھیں جتنے پیغمبر آئے ہیں قرآن کریم میں اللہ ان کا تعارف منکم سے کرواتے ہیں، وہ تم ہی میں سے ہیں. اب اگر ہم بشر ہیں، انسان ہیں، اور پیغمبر ہم ہی میں سے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا لازم ہے؟ بشریت لازم ہے. تو بشریت پیغمبر کا انکار در حقیقت قرآن کریم کے اس نظریے کا انکار ہے. سمجھ گئے بات کو؟ فرمایا اگر آ جائے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائے بیان کرے. قص یا قصو کے معنی آتے ہیں بیان کرنا، بیان کرنا، جو تم پر بیان کرے آیاتی میری آیتوں کو. فمن اتقا واصلحا، پس جو ڈرا. اتقا کا کیا ترجمہ ہے؟ ڈرا. اتقا کے نیچے لکھے من اللہ او عن الشرک، جو ڈرا من اللہ، کس سے؟ اللہ تعالی سے ڈرا، یا عن الشرک، جو ڈرا شرک کرنے سے. فمن اتقا واصلحا، پس جو ڈرا واصلحا اور اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے. نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور حزن آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، تمام ساتھی ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں تفسیر کا حصہ پڑھ چکے ہیں. خوف اور حزن میں فرق ہوتا ہے نا تھوڑا سا. خوف ہوتا ہے ماآت کا، آنے والی چیز کا، اور حزن ہوتا ہے مافات کا، گزری ہوئی چیز کا. جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پہ انسان غم کرتا ہے، اور جس چیز کے آنے کا ڈر ہو اس میں انسان خوف کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا، عنہا ای عن قبولہا، اس کو قبول کرنے سے. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اس کو قبول کرنے سے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم، لکھے زجر. کیا عنوان لکھیں گے؟ زجر کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹ. ڈانٹ، جب انسان کو کوئی ڈانٹ پلائی جائے اس کو زجر کہتے ہیں. کبھی کبھی اللہ پاک قرآن کریم میں زجر فرماتے ہیں، نافرمانوں کو ڈانٹتے ہیں. فرمائے فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھے، اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم، جو پا لیں گے اپنے حصے کو، من الکتاب، اس لکھے ہوئے میں سے. نالا ینالو، اس کے معنی آتے ہیں پا لینا. اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم، جو پائیں گے، نصیبہم، اپنا حصہ. نصیبہم کے نیچے لکھے یعنی رزق اور عمر، رزق اور عمر.
अल्लाह पाक ने बंदे को कितनी जिंदगी दी, बंदे के नसीब में कितना रिज़्क लिखा, ये दोनों चीज़ें इस लफ्ज़ नसीब में शामिल हैं। फरमाए ये लोग अपने रिज़्क को भी पाएंगे, अपनी उम्र को भी पाएंगे, मिनल किताबे, किताब के नीचे लिखे उस लिखे हुए में से, उस लिखे हुए में से यानि लोहे महफूज से, यानि लोहे, हर बंदे की जिंदगी उसका रिज़्क उसके लोहे महफूज में लिखा हुआ है, उसको पा कर रहेगा। लिहाजा ये जो अल्लाह की ज़ात पर झूठ बोलते हैं या अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में अल्लाह पाक इनसे नाराज़ होकर इनसे इनका रिज़्क ले लें या इनकी मौत जल्दी आ जाए, नहीं नहीं, जीते ये लोग भी हैं, इनकी भी उम्रें होती है, और बाज़ दफ़ा ये नाफरमान जो होता है इसकी उम्र ख़त्म ही नहीं होती। कई नेक लोग इस बीच में आके चले जाएंगे दुनिया से और ये हट्टा कट्टा मुस्टंडा घूम रहा होगा, होता है ना, ऐसे नाफरमान और जालिम किस्म के लोगों की जिंदगी लंबी हो जाती है, इसलिए कि दुनिया अल्लाह पाक इनको दे देते हैं, फिर आखिरत की सजा बड़ी सख्त होती है इनके लिए। तो जो इनका लोहे महफूज में लिखा हुआ रिज़्क है या उनकी उम्र है वो इनको जरूर मिल जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, लिखे अंजाम बरज़खी, अंजाम बरज़खी, बरज़खी बैठ जाए, बरज़ख कहते हैं मौत के बाद की जो जिंदगी है क़यामत तक की, इस बीच की जो जिंदगी है ना, जितनी भी इंसान मरने के बाद कब्र में जाता है, चाहे उसकी कब्र कहीं भी बन जाए, लेकिन जहां इसका जिस्म चला जाए और क़यामत तक जहां रहेगा, इस जिंदगी के हिस्से को क्या कहते हैं, हयात बरज़खी कहा जाता है। दोस्तों बात समझ गए, तो यह है अंजाम बरज़खी। फरमाया हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, यहां तक के जब इनके पास पहुंचते हैं हमारे फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करने के लिए, यतवफ़ौनहुम, रसूल से मुराद यहां पर फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज करने आते हैं, यहां तक के जब इनके पास हमारे फरिश्ते पहुंचते हैं, ये तवफ़ौनहुम, इनकी रूह कब्ज करने के लिए, कालू, तो फिर ये नाफरमान क्या कहते हैं, नहीं, कालू, तो फरिश्ते इनसे कहते हैं, कालू का फाइल कौन है दोस्तों, फरिश्ते, तो वो फरिश्ते इनसे क्या कहते हैं, अयनमा कुंतुम तदउना मिन दूनिल्लाह, कहां गए वो तुम्हारे जिनको तुम पुकारते थे अल्लाह के अलावा, वो तुम्हारे वाले कहां गए, जैसे दुनिया में भी इंसान कहते हैं ना, भाई कहां है वो तुम्हारे वाले, तो फरिश्ते कहेंगे वो तुम्हारे वाले कहां गए जिनको दुनिया में बहुत हलक फाड़ के आवाज देकर निकालते थे। आज आप देखें ना, जितनी भी बातिल दुनिया है, अल्लाह का नाम अगर लेगा भी बहुत हल्का लेगा, लेकिन जब अपने बातिल नजरिए को बयान करेगा तो जिस्म के रूए रूए से आवाज निकालेगा, हर रग का खून इसका ताजा हो जाए, ऐसा ही होता है ना। तो फरिश्ते पूछेंगे, हाँ भाई वो कहां है जिनको तुम पुकारते थे अल्लाह को छोड़कर, कालू, तो ये नाफरमान कहेंगे ज़ल्लू अन्ना, ज़ल्लू ऐ गाबू, गाबू, कहेंगे वो तो हमसे गुम हो गए, वो हमसे गुम हो गए, व शहीदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और खुद अपने ऊपर गवाही देंगे कि बेशक ये लोग इनकार करने वाले थे। अब तो और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो फरिश्तों से कहेंगे कि भाई वो तो गायब हो गए, नजर ही नहीं आ रहे, और वाकई हमने अल्लाह पाक की जात का तौहीद का इनकार कर दिया है, खुद अपने ऊपर गवाही देंगे अन्नहुम कानू काफिरीन, कि ये कुफर करने वाले थे। कालत खुलूफी उममिन, लिखे अंजाम उखरवी, वो तो अंजाम बरज़खी था, कब्र में भेजा जा रहा था, अब जब वो कब्र की जिंदगी गुजर जाएगी, अब आखिरत के लिए जब इनको उठाया जाएगा, अब अंजाम उखरवी है। काला, तो कहा जाएगा उत खुलूफी उममिन, दाखिल हो जाओ, फी
फी के नीचे लिखे बेमाना मा, फी किसके माने में है, मा के माने में है यहां पर, कि दाखिल हो जाओ उन्हीं जमातों के साथ, उन्हीं जमातों के साथ शामिल हो जाओ, कद खलत मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुकी, मिनल जिन्न वल इंसे, जिन्नात और इंसानों में से, फिन्नारी जहन्नम में, इसलिए कि हर जमाने के नाफरमानों का आपस में एक रब्त होता है, ये फितरी और उसूली बात है। जितने नाफरमान दुनिया में तबकात होते हैं ना, इनका आपस में क्या होता है, ये रब्त होता है। जैसे हमारे उलमा ने समझाने के लिए कहा ना कि मोबाइल के जो सिंगल्स होते हैं ना, इनका एक बूस्टर होता है, वो खंबा नहीं लगा होता ऊपर। अब कहते हैं भाई ये जोंग वालों का है और ये टेलीनॉर वालों का है और ये उनका है और ये उनका है। अब जितने अफराद के पास जोंग की सिम है, मिसाल के तौर पे पूरे गार्डन ईस्ट में 5000 अफराद जोंग की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और हर मोबाइल में जोंग के सिंगल आ रहे हैं, लेकिन ये सिंगल किस एक एक बूस्टर को कैच कर रहे हैं ये वहां से, तो गोया कि एक असल इनका कहीं पर खड़ा हुआ है, वो मौजूद है ना। तो जितना बातिल दुनिया के अंदर होता है, इनका एक बूस्टर होता है, और ये कहीं भी दुनिया के अंदर हो, इनके सिंगल्स वहां जाके जरूर टकराते, इनका एक लिंक और एक टांका होता है, ये वहां से रबते में जरूर होते हैं दोस्तों। इसलिए दुनिया में जो हमें नजर आते हैं ना, एक अपनी दुकान खोल के बैठा है, दूसरा अपनी दुकान, तीसरा अपनी दुकान, चौथा अपनी, हम इतने सादा होते हैं कि बाज़ दफा क्या समझते हैं कि शायद ये एक अलग तबका है, ये अलग फिरका है, ये अलग बातिल है, ये जाहिर के दुकानदार है जो दिन में अलग अलग दुकानें, लेकिन रात को इनके पैसों का हिसाब एक कमरे में होता है। समझ में आ गई, आसान अल्फाज में, इनको रात की हिदायत एक जगह से मिलती है, इनकी तरबियत, इनकी परवरिश, इनकी तनख्वाह, इनका नान नफा, इनका खर्चा और इनको हौसला और तसल्ली, वो एक जगह से दी जाती है, वो अलग नहीं होती। इसलिए जब ये दुनिया में एक थे छुप छुप के, तो क़यामत के दिन जब होंगे तो इनके लिए हुक्म आएगा कि जाके अपने उन्हीं बड़ों के साथ जो पहले से है ना, जिस जहाँ से तुम्हारे सिंगल्स मिलते थे, उन्हीं सिंगल्स में जाके अभी शामिल हो जाओ, उन्हीं के साथ हो जाओ। उदखुलू फी उममिन, दाखिल हो जाओ उन जमातों के साथ, खत खलत मिन कबलिकुम मिनल जिन्न वल इंस, जो तुमसे पहले गुजर चुके जिन्नात और इंसान, फिन्नारी जहन्नम में। तो अब एक एक जमात अंदर जहन्नम में जा रही होगी इनकी। कुल्लमा दखलत उम्मतुन, जब भी कोई जमात दाखिल होगी कहां पर, जहन्नम में, जब भी कोई जमात दाखिल होगी, लानत उख्तहा, तो वो दूसरी पर लानत करेगी। उख्तहा का तर्जुमा लिखे दूसरी को, किसको, दूसरी को। तो अब जाहिर सी बात है कि एक जगह वैसे ही तंग हो और 10 की पिटाई पहले से हो रही है वहां पर, अब जब जगह भी तंग हो, पिटाई भी हो, तो पता भी नहीं चलता कि कहां कहां से चला और कहां पे लगा, है ना। अब वो 10 बेचारे हाथ पैर इधर उधर हिला रहे हैं और पीछे से 10 और आ गए, तो गुस्सा तो आएगा ना कि हम पहले से तंग थे और तुमने जगह और तंग कर दी, अब और पड़ेगी। तो फरिश्तों को कहा जाएगा कि डालते रहो यहां पर, इसी जगह इनकी पिटाई करनी है। तो जब ये जाएंगे, तो पहले वाले जब इनको देखेंगे तो और गुस्सा आएगा उनको, तो वो इन पर क्या करेंगे, लानत करेंगे। हत्ता इज़द्दारकू, इद्दारा का यद्दारकू, इद्दारकू का तर्जुमा लिखे जब जमा हो जाएंगे, जब ये सब के सब वहां पर जमा हो जाएंगे, जब सब के सब वहां पर जमा हो जाएंगे, कालत उखराहुम लिऊलाहुम, तो पिछले वाले कहेंगे अगलों से, उखरा के माने हैं पिछले वाले, ऊला के माने हैं अगले वाले, नहीं समझे बात को। और उखरा के नीचे लिखे ताबईन, ऊला के नीचे लिखे मतबूईन, इससे मसला आसान हो जाएगा। उखरा के नीचे क्या लिखा, ताबईन, ताबिया किसको कहते हैं, जो पीछे चलता है, और मतबू किसको कहते हैं, जो आगे चल रहा होता है। तो अब दुनिया में तो इंसान है ना,
अपने अपने लिए किसी न किसी को अपना रहनुमा कायद बनाया हुआ है। तो यहाँ तो जज्बात है, खून की गर्मी है, माल की कसरत है, आंखों पर पट्टी है, तो यहाँ तो सब कुछ चल रहा है भाई, जिंदाबाद भी है, मुर्दाबाद भी है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन क़यामत के दिन जब पता चला कि भाई जिसको बड़ा बनाया वो तो सीधा हमें लेकर कहाँ आ चुका है, नॉन स्टॉप जहन्नम में ला चुका है वो, तो अब ज़्यादा गुस्सा ताबईन को आएगा या मतबईन को आएगा जी? ताबईन को ज़्यादा आएगा कि भाई दुनिया में भी हमने खाई इनके लिए और आखिरत में भी हमें खानी पड़ रही है। तो कालत उखराहुम ली उलाहुम, तो ताबईन कहेंगे मतबुईन के बारे में, ताबईन कहेंगे मतबुईन के बारे में, उस दुनिया के बड़ों के बारे में कहेंगे रब्बना हाउलाई अजल्लूना, कहेंगे ए हमारे रब इन्होंने हमें गुमराह किया। ये हमें कहते थे कि भाई आज ये करना है, हम कहते थे जी चले करना है, कहते थे कल ये करना है, हम कहते थे जी वो करना है, इन्होंने हमें गुमराह किया है, गुस्सा उन पे ज्यादा आ रहा है। लिहाजा कहेंगे फआतिहिम अज़ाबन ज़िफ़म मिनन नार, इन्हें दुगना अजाब दे दीजिए जहन्नम का, कम से कम इतना तो हमारा दिल ठंडा हो जाए ना कि इन बड़ों को क्या दे दीजिए, दुगना अजाब, ज़िफ़न दुगना, इनको दुगना अजाब दे दीजिए मिनन नार जहन्नम का। काला अल्लाह फरमाएंगे ले कुल्लिन ज़िफ़ुन, हर एक के लिए दुगना है, हर एक के लिए, फिक्र नहीं करो आज सब के लिए डबल है, हर एक के लिए ज़िफ़ुन, ज़िफ़ुन का तर्जुमा लिखे बढ़ता जाएगा, हर एक के लिए बढ़ता जाएगा। वला किल्ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते थे, दुनिया में तुम नहीं जानते थे कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत अंजाम हो जाएगा। वकालत उलाहुम लिउखराहुम, तो अब क्या होगा जब वो देखेंगे ना इन्होंने हमारी शिकायत लगाने की कोशिश की, तो कहेंगे मतबुईन ताबईन से, कहेंगे मतबुईन ताबईन से कहेंगे फमा कान लकुम अलैना मिन फजलिन, नहीं था तुम्हारा हम पर कोई जोर, नहीं था तुम्हारे लिए हम पर कोई जोर, हमने कोई जबरदस्ती तुम्हें घरों से हाथ से पकड़ के निकाला था कि जी आओ हमारे साथ चलो, नहीं, लिहाजा तुम पर हमारा कोई जोर नहीं था। फजूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकसिबून, चको इस अज़ाब को बसबब अपने किए हुए करतूतों के, बसबब अपने किए हुए करतूतों के, अब चको हमें जितना मिलेगा उतना तुम्हें मिलेगा, जितना तुम्हें मिलेगा उतना हमें मिलेगा, क्या शिकायतें बेकार की कर रहे हो अभी यहाँ पर। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, लिखे तख़वीफ़े उख़रवी, तख़वीफ़े उख़रवी आखिरत का डरावा, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, वस्तकबरू अनहा और तकब्बुर किया, अनहा ऐ अन क़ुबूलिहा उसको कबूल करने से तकब्बुर किया, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाए, नहीं खोले जाएंगे उनके लिए आसमानों के दरवाजे, उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। हाशिए पर लिखे कि नेक आदमी की रूह के लिए सातों आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, नेक आदमी की रूह के लिए सातों आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। मिश्कात शरीफ में तफसीली रिवायत मौजूद है कि पाकीज़ा रूह जब आसमानों पर जाती है तो एक एक दरवाज़ा खुलता है और हर फरिश्ता अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ऐसी पाकीज़ा रूह को मेरी तरफ से ऊपर भेज दे, इसकी खुशबू मेरे करीब आ जाए। और जब नाफरमान की रूह जाती है तो पहले आसमान के दरवाजे पे फरिश्ते रोक लेते हैं, इजाज़त नहीं होती, वहीं से अल्लाह पाक हुक्म देते हैं, उस खबीस रूह को सिज्जीन में फेंक दिया जाता है ऊपर से, आज़न अल्लाहु मिन्हुम। समझ में आ गई? इसलिए फरमाया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और तकब्बुर किया, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाए, नहीं खोले जाएंगे उनके लिए आसमानों के दरवाजे, वला यदखुलून अलजन्नत, और न वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे, और न वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे,
हत्ता यली जल जमलूफी सम्बिल खियात, यहाँ तक के ऊंट गुजर जाए सुई के नाके से, ऊंट गुजर जाए यली जो, वाले जा यली जो के माने आते दाखिल होना, यहाँ तक के ऊंट गुजर जाए सम, सम कहते नाके को और खियात कहते सुई को, सुई का जो छोटा सा नुक्ता सुराख होता है ना जिसमें धागा डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें धागा कितनी फनकारी से डालना पड़ता है, पहले उसको बनाते फिर ऐसे आंख को छोटा करते हैं और कोशिश करते हैं, तो वो बड़ी मेहनत से उसमें दाखिल होता है। तो यहां फरमाया कि जब तक ऊंट सुई के नाके से न गुजर जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हाशिए पर लिखें इसको तालीक बिल महाल कहते हैं, इसको तालीक बिल महाल, ऐसी चीज से जोड़ देना जो महाल है, मुमकिन नहीं। वकज़ालिक नज़्ज़िल मुजरिमीन, इसी तरह हम बदला देंगे जुर्म करने वालों को। लहुम मिन जहन्नम मिहादू व मिन फौकहिम गवाश, उनके लिए जहन्नम में से बिछोना होगा, मिहाद लिखे बिछोना, बिछोना व मिन फौकहिम गवाश, और इनके ऊपर ओढ़नी होगी, ओढ़नी, बिछोना नीचे बिछाते हैं ना, और ओढ़नी ऊपर से ओढ़ते हैं। ये देखें ताबीर है कि जहन्नम की आग नीचे भी लगी होगी और ऊपर से भी होगी, समझ में आ गए? तो उनके लिए जहन्नम में से बिछोना होगा यानी आग का, और इनके ऊपर ओढ़नी होगी आग की। वकज़ालिक नज़्ज़िल ज़ालिमीन, इसी तरह हम बदला देंगे जुल्म करने वालों को। वल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, लिखे बशारत, आपने अभी जजर सुना, डांट, अब है बशारत, ईमान वालों के लिए बशारतें आती है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू, वल्लज़ीना के नीचे छोटा सा लिखे मुब्तदा, लिख लिया मुब्तदा, और मुब्तदा के लिए क्या चाहिए होती है? खबर चाहिए होती है, इसकी खबर आगे आएगी। फरमाया वल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहाती, और नेक आमाल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसके नीचे लिखे जुमला मुअतरिज़ा, जुमला मुअतरिज़ा, बाज़ दफा एक मजमून चल रहा होता है, बीच में कोई और फायदे की बात आके वो खत्म हो जाती है, ये क्या कहलाती है? जुमला मुअतरिज़ा। फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के बकदर, ये जुमला मुअतरिज़ा था, ठीक है। उलाइका असहाबुल जन्नाह, मुब्तदा आ चुका था, यह है अब खबर, इसके नीचे लिखे खबर, तो जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, उलाइका असहाबुल जन्नाह, यही लोग जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और हम खींच लेंगे उनके सीनों से, मिन गिल्लिन, गिल किसको कहते हैं? कीने को, कीने, चूंकि जन्नत में रूहानी अमराज के साथ दाखिला नहीं हो सकता, उसके लिए ऐसा सीना चाहिए जिसमें कीना ना हो, सीना बिला कीना इस तरह हो, तो लिहाजा अल्लाह पाक फरमाएंगे, अब इंसान है, दुनिया में तो बहुत सारे रूहानी मरज हमारे साथ चल रहे हैं, तो अब ये बंदा जब जन्नत में दाखिल होगा तो जन्नत के दरवाजे से पहले इसका क्या होगा? एक सिटी स्कैन होगा, सिटी स्कैन जानते हैं? एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक सिटी स्कैन होता है ना, ये जरा बड़ा है, उससे अंदर के अमराज देखे जाएंगे, फरिश्ते रिपोर्ट तैयार करेंगे, कहेंगे भाई इसके दाएं पहलू में थोड़ा सा कीना है, दिल के करीब थोड़ा सा हसद है, जबान के एक पहलू में थोड़ी सी गीबत है, आंख में ऐसे 3% बदनजरी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो कहा जाएगा ठीक है भाई इसको ले जाएं, एक दूसरा फरिश्ता ले जाएगा, एक नहर होगी और उस नहर के अंदर इसको गोता दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा? गोता दे दिया जाएगा, बस वो एक गोता जो इसको दिया जाएगा तो वो सारे रूहानी अमराज उसमें बहकर क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे।
समझ में आ गई, तो उसकी तरफ इशारा है। फरमाया और हम खींच लेंगे, नजाना का क्या तर्जुमा है, हम खींच लेंगे, माफी सुदूर हिम मिन गिल्लिन, जो उनके सीनों में कीना होगा, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उसके नीचे नहरें बह रही होंगी, क्या बह रही होंगी, नहरें बह रही होंगी। मैंने आप हजरत से इशारतन अर्ज किया कि कीने की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा किया, जो एक रूहानी मरज है और रूहानी अमराज के साथ जन्नत में जा नहीं सकते, तो उसको दूर करने के लिए गौता कहां दिया जाएगा, एक नहर में दिया जाएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे क्या बह रही होंगी, नहरें बह रही होंगी। वकालू, कालू का फाइल अहले जन्नत है दोस्तों, अहले जन्नत है। वकालू, जन्नती कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, तमाम तारीफ़ खास है उस अल्लाह के लिए, अल्लज़ी हदाना लिहाजा, जिसने हमारी रहनुमाई की, लिहाजा, हाजा के नीचे लिखे जन्नत, इस जन्नत की तरफ, इस जन्नत की तरफ हमारी रहनुमाई की। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, और हमारे बस में नहीं था कि हम हिदायत पर आते, हमारे बस में नहीं था, लिनहतदिया, कि हम हिदायत पर आते, लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देना चाहते, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देना चाहते। अन के नीचे लिखे जायदा, ये अन क्या है, ये जायदा है। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़, यकीनन हमारे रब के भेजे हुए आए थे, यानी रसूल, कासिद, नुमाइंदे, यकीनन हमारे रब के भेजे हुए रसूल आए थे, बिलहक़ हक बात को लेकर। उस दिन एहसास होगा कि पैगंबरों की इत्तिबा कितनी बड़ी नेमत थी, कितनी बड़ी नेमत, इसलिए बंदा इकरार करेगा, कहेगा लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़, यकीनन हमारे रब के भेजे हुए आए थे, बिलहक़ हक बात को लेकर। वनूदू अन तिल्कुमुल जन्नतो, वनूदू, और पुकारा जाएगा, और पुकारा जाएगा। हाशिए पर लिखें, हाशिए पर, पांच जगहों में ये अन मुखफ़फ़ा भी हो सकता है और मुफस्सिरा भी हो सकता है, कितनी जगहों पर, पांच। ये जो है ना अन, वनूदू अन, देखिए पांच जगहों पर ये अन मुखफ़फ़ा भी हो सकता है। मुखफ़फ़ा जानते हैं ना, आपने पढ़ा है कि बाज अन मुखफ़फ़ा मिनल मुथक्कला होते हैं, मुखफ़फ़ा मिनल हरूफ़ मुशब्बा बिलफेल वाला काम करते हैं वो, तो ये पांच जगहों पर अन मुखफ़फ़ा भी हो सकता है और मुफस्सिरा भी हो सकता है, आगे आने वाली बात की तफसीर के लिए भी हो सकता है। तो इस अन के नीचे क्या लिखा, नंबर एक, ये क्या है, ये नंबर एक है। वनूदू, और पुकारा जाएगा, अन तिल्कुमुल जन्नत उरिस्तुमूहा, कि यही तुम्हारी जन्नत है जो तुम्हें मीरास में दे दी गई, जो तुम्हें मीरास में दे दी गई, तुम्हें उसका वारिस बना दिया गया। क्यों, बिमा कुंतुम तालमू तामलून, बसबब तुम्हारे किए हुए आमाल के, तुम्हारे आमाल अल्लाह को पसंद आ गए, लिहाजा तुम्हें मीरास में जन्नत दे दी गई। वनादा अस्हाबुल जन्नत अस्हाबन नार, लिखे मुकालमा अहले जन्नत अहले आराफ अहले नार, मुकालमा अहले जन्नत अहले आराफ और अहले नार, तीन तबकात होंगे, एक तो जो खालिस जन्नती है, एक जो खालिस जहन्नमी है, और एक अहले आराफ होंगे, जिस ये सूरत जिस नाम पर है ना, आराफ पर, जो जन्नत और जहन्नम के माबैन बैठे होंगे, आगे बात आ रही, जन्नत और जहन्नम के माबैन एक दीवार पर बैठे होंगे, दाईं तरफ जन्नत है बाईं तरफ जहन्नम है, तो वो बड़े मखमसे में और परेशानी में होंगे कि जी हमारा अब क्या होगा,
समझ में आ गया। तो खैर ये तीनों तबकात का कुछ मुकालमा है, उसको अल्लाह नकल फरमा रहे। वनादा अस्हाबुल जन्नत या अस्हाबन नार, पुकारेंगे जन्नत वाले जहन्नम वालों को। कौन पुकारेंगे? जन्नत वाले, वो आवाज देंगे जहन्नम वालों को। अन कद वजदना, अन के नीचे क्या लिखेंगे? नंबर, हाँ नंबर दो, पांच जगह पर आएगा ना, ये बात आई ना। तो जन्नती जहन्नमियों को पुकार कर कहेंगे अन कद वजदना मा वादा रब्बुना हक्का, के तहकीक हमने तो पा लिया जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था। हक्का सच्चा, हमने तो अपने रब के किए हुए वादे को क्या पाया? सच्चा पा लिया। हक्कन का तर्जुमा है सच्चा। तो हमें तो भाई जन्नत मिल गई, जन्नत की नेमतें मिल गई। फहल वजद तुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने पा लिया जो तुम्हारे रब ने वादा किया था? हक्कन सच्चा, तुमने भी पा लिया उसको। तुमसे कहा जाता था भाई मत करो, जहन्नम में चले जाओगे, तो अब बताओ क्या हुआ? कालू नाम, वो कहेंगे जी हाँ, जी हाँ हमने भी पा लिया, हमने भी जहन्नम देख ली। फाजन मुअज्जिन बैनहुम, तो एक ऐलान करने वाला इनके बीच में ऐलान करेगा। मुअज्जिन ऐलान करने वाला, मुअज्जिन के नीचे लिख के साहिब सूर, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, साहिब सूर स्वात के साथ हैं। साहिब सूर कौन है? हजरत इसराफील। तो ये ऐलान वो करेंगे, एक ऐलान करने वाला इनके बीच में ऐलान करेगा। अन लानतुल्लाही, अन के नीचे क्या लिखेंगे? नंबर तीन, नंबर तीन है ना, कि अल्लाह की लानत है जुल्म करने वालों पर, इन नाफरमानों पर आज अल्लाह की लानत हो गई। लानत से मुराद क्या है? रहमत से दूरी हो गई। अल्लबी नयसुद्दुनान सबीलिल्लाह, लिखे अलामात जालिमीन, अलामात। अब जालिमों पर अल्लाह की लानत है, तो हर बंदा चाहेगा कि मैं इस फहरिस्त में शामिल ना हो जाऊं। तो जालिम की निशानियां क्या है, अलामात क्या है, वो बयान की। अल्लबीना फरमाए, जालिम वो होते हैं यसुद्दुनान सबीलिल्लाह, जो रोकते हैं दूसरों को अल्लाह के रास्ते से। वयबगूनहा इवजा, और उसमें कमजोरी तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हैं? कमजोरी तलाश करते हैं। बाज लोगों की जिंदगी इसमें गुजर जाती है कि दीन के अहकामात में, शरीयत के अहकामात में कोई कमजोरी मिल जाए हमें, कोई ऐसी कजी मिल जाए कि जिसमें हमें बात करने का मौका मिल जाए। दुनिया जहां का फ्रॉड करेंगे, लोगों के हकूक मारेंगे, दो नंबरिया करेंगे, लेकिन बाद में आके कहेंगे कि भाई ये सब इनकी वजह से हो रहा है, ये सब इनकी वजह से हो रहा है, यानी मुशारुन इलैहि अहले दीन होंगे। तो जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा इवजा, और उसमें कमजोरी तलाश करते हैं। वहुम बिलआखिरति काफिरून, यही लोग आखिरत का इनकार करते हैं, यही लोग आखिरत का इनकार करते हैं। वबैनहुमा हिजाब, और उन दोनों के दरमियान एक दीवार होगी। हिजाब उनका तर्जुमा लिखे दीवार, उनके दरमियान एक दीवार होगी। हुमा की जमीर कहां लौट रही है? अस्हाबुल जन्ना और अस्हाबुल नार की तरफ। तो जन्नत और जहन्नम वालों के माबैन हिजाबुन, एक आड़ होगी, एक दीवार होगी। हाशिए पर लिखे और लिखा हुआ होगा अगर कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक लंबी चौड़ी दीवार होगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक लंबी चौड़ी दीवार होगी, जिसके ऊपर अस्हाबे आराफ होंगे, जिसके ऊपर अस्हाबे आराफ होंगे, जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे। यह भी एक तफसील तलब मौजू है दोस्तों, के अस्हाबे आराफ कौन है, यानी ये इस दीवार पर क्यों बिठाए गए हैं। इसकी एक मशहूर और आसान शरह तो यही है जो आम तौर पे आप सुनते हैं, और ये है कि भाई ये वो तबकात होंगे कि जब आमाल तुलेंगे
तो इनके आमाल सालेहा और सय्या हर एतबार से बराबर निकलेंगे। हर एतबार इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वहां सिर्फ गिनती नहीं है बल्कि इखलास को भी देखा जाएगा, तलब को भी देखा जाएगा, मिजाज सोच को भी देखा जाएगा। तो हर तराजू को देख देखने के बाद भी नतीजा ये निकलेगा कि बिल्कुल बराबर सराबर होंगे। अब क्या करें? तो इनको कहा जाएगा आप लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, आप लोग बैठ जाएं, आपका फैसला अभी रुका हुआ है। तो ये लोग यहां पर आ जाएंगे जिनकी नेकी और गुनाह बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। और भी इसमें मुहद्दिसीन ने बहुत सारे अक़वाल लिखे हैं और वो इंशाल्लाह आप हजरात अल्लाह भला करे मिश्कात में ये रिवायत आती है वहां पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। उसमें एक कौल ये भी है कि इससे मुराद अतफालुल मुशरिकीन है, अतफालुल जो कुफार के नाबालिग बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं ना काफिरों के, तो उन्होंने तो बुलूगत की उम्र पाई नहीं, ये कहां जाएंगे? आए जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे? तो कहते हैं इनको आराफ पे बिठा दिया जाए। एक कौल ये भी है, एक कौल ये भी है कि इससे मुराद वो मुजाहिदीन है जो अल्लाह के रास्ते में निकले और शहीद हो गए लेकिन इनके माँ बाप इनसे नाराज थे, तो जब तक इनके माँ बाप की रजामंदी नहीं होगी तो इनको बिठा दिया जाएगा कि भाई आप बैठ जाए। बाज़ ने कहा कि ये मुजाहिदीन होंगे जिनके जिम्मे कर्ज होंगे तो इनको अल्लाह पाक बिठा देंगे कि भाई आप लोग इंतज़ार करें जब तक फैसला नहीं हो जाता आपके कर्जदार क्या कहते हैं, उनको जब तक राजी नहीं किया जाएगा आप लोग यहीं पर ही बैठे रहेंगे। बात समझिए। बाज़ हजरात ने कहा कि इससे मुराद मजानीन है, मजानीन जानते हैं जो मजनून दुनिया में होते हैं ना, जिन बेचारों के पास यानी अकल नहीं है, मजजूब लोग होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनके पास शऊर तो था नहीं, ईमान के मुकल्लफ नहीं, आमाल के मुकल्लफ नहीं, तो क़यामत के दिन इन मजानीन का एक छोटा सा इम्तिहान होगा। उस इम्तिहान के होने तक अल्लाह पाक इनको कहाँ बिठा देंगे? इनको आराफ के ऊपर बिठा दिया जाएगा। और भी बहुत सारे अक़वाल हैं बहरहाल। तो खैर वबई नहुमा हिजाब, इस बीच में दीवार होगी, वालल आराफ रिजालुन, और इस आराफ इस दीवार पर कुछ लोग होंगे, रिजालुन कुछ लोग होंगे, यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, जो पहचान लेंगे हर एक को बिसीमाहुम उसकी निशानियों से, किससे? निशानियों से पहचान लेंगे। अब जाहिर सी बात है जो आदमी ऊपर होता है तो उसको तो नीचे के सारे मामलात नजर आ रहे हैं ना, भाई दाएं में भी लोग आ रहे हैं बाएं में भी लोग आ रहे हैं, तो वो चेहरों से देखकर समझ रहे होंगे कि भाई ये तो जन्नत वाले हैं और ये जहन्नम वाले हैं। तो वनादौ अस्हाबल जन्नते, तो ये ऊपर से पुकारेंगे किनको? जन्नत वालों को। उनको पुकारेंगे कहेंगे अन सलामुन अलैकुम, ये अन के नीचे क्या लिखेंगे? नंबर चार। पुकारेंगे उनको कि तुम पर सलामती हो, तुम पर, जाहिर सी बात है ऊपर से देखेंगे भाई उनका तो बड़ा एजाज और इकराम है, तरह तरह के खाने आ रहे हैं, लिबास आ रहा है और खुशबुएं आ रही है, फरिश्ते उनको ला रहे ले जा रहे, तो ऊपर से देखकर बड़ा रश करेंगे, कहेंगे सलामती हो तुम पर, लम यदखुलूहा वहुम यतमाउन, अभी तक ये दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन उसकी तमा रखेंगे। क्या रखेंगे? तमा, उम्मीद। ये अस्हाब आराफ ऊपर बैठकर उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह हमें भी इनमें शामिल कर दे। वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिल्का असहाबिन नार, और जब अपनी निगाहों को घुमाएंगे जहन्नम वालों की तरफ, सुरिफत, सुरिफत के माने आते फेरना घुमाना, तिल्का असहाबिन नार, जब जहन्नम वालों की तरफ अपनी निगाहें घुमाकर देखेंगे ना, ओ भाई वहां तो आग है और डंडे हैं और लाठियां हैं और अजाब है और सांप है और बिच्छू है, कालू तो कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमि ज़ालिमीन, ए हमारे रब हमें इन जालिम कौम के साथ शामिल मत फरमाइएगा, इनसे हमें बचा कर रखिएगा। समझ गए? चले वक्फा फरमा ले, थोड़ा सा वजू वजू ताजा कर ले, चाश की नमाज जो पढ़ना चाहे चाश पढ़ ले, कैंटीन से इस्तिफादा करना चाहे वो फरमा ले, चाय का शोल फरमा ले, 10:15 बजे हाजिर हो जाए दोबारा। अस्सलामु अलैकुम।